नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कई अपडेट आ चुके हैं। अब एक बार फिर से नए अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब गांव की राजनीति अपने चरम पर है। सुबह की चाय के साथ ही अब पंचायत चुनाव की राजनीति शुरू हो जाती है। अब चाय की चुस्की के साथ ही गांव की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। महिलाओं से लेकर बच्चों तक में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने भी कमर कस लिया है और अधिकारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अब तो सभी अधिकारियों को कामों का भी बंटवारा कर दिया गया है। इधर पंचायतों में उम्मीदवार अपनी दावेदारी के लिए मतदाता के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गांव की सरकार बनाने के लिए अब राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। नीतीश सरकार के सात निश्चय पार्ट वन को लेकर बड़ा फैसला आया है। सात निश्चय योजना नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। राज्य सरकार इन्हीं योजनाओं को लेकर लगातार अपनी पीठ थपथपाती भी रही है। ऐसे में अब नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों की समस्याएं बढ़ सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने यह तय किया है कि बिहार सरकार के साथ सात निश्चय पार्ट वन के हर घर नल जल योजना का काम पूरा नहीं करने वाले लोग पंचायत चुनाव या फिर नगर निगम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर उनका रिपोर्ट कार्ड नल जल योजना को लेकर खराब रहा तो जनप्रतिनिधि नगर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से इस साल होने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव पर इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। पंचायत स्तर पर नल जल योजना को पहुंचाने और उसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इस फैसले से जहां जनता खुश होगी, वहीं वैसे जनप्रतिनिधियों की रात की नींद हराम हो जाएगी जिन्होंने अब तक इस योजना पर पंचायत में काम नहीं करवाया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि राज्य में अब तक 1700 वार्ड में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना अभी तक अधूरा है। पंचायती राज विभाग सभी जिलों की पंचायतों के हर वार्ड में अपूर्ण नल जल योजना की जानकारी जुटा रही है। विभाग ने निर्वाचन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री पेयजल योजना पूरा करने की जिम्मेवारी दी है। पंचायती राज विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वैसे पंचायत व वार्ड के मुखिया और वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन पंचायतों के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसका रखरखाव भी इन्हीं संस्थाओं को करना है। ऐसे में जिन पंचायतों का काम अधूरा है उन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही तैयारियां जोरों पर है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला भी किया है कि बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से न होकर ईवीएम के माध्यम से होगा। हालांकि उस पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के में नाम जुड़वाने से लेकर अन्य कई चीजों की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के लिए बाकी बचे समय में नल जल योजना को पूरा करने की एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। बिहार और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।